एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस क्लचर की मदद से कितने हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले मैं इस क्लचर की मदद से एक बहुत ही सुंदर सा हाई बन क्रिएट करके दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हाई बन के लिए आपको बनानी होती है हाई पोनी टेल। तो हाई पोनी टेल के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने क्राउन एरिया पे एक पोनी बना ले रही हूँ। अच्छे से कॉम कर लेना है, कॉम करके यहाँ पे आप एक पोनी बना लीजिए। पोनी को थोड़ा सा टाइटली रखिएगा, उसके वजह से हल्का हल्का सा बालों को खींच लीजिए ताकि जैसे आपकी स्कैल्प में पेन ना फील हो, ज़्यादा टाइट ना हो जाए आपका। यहाँ पे मैंने पोनी बना ली है, पोनी को टाइट करके अच्छे से इस तरीके से पकड़ना है, देन यहाँ पे ट्विस्ट करना है और ये हेयर को ऊपर की तरफ से ही रखना है, ऐसे इस तरीके से घुमा लेना है और क्लचर को जस्ट पोनी के ऊपर से इस तरीके से लगा देना है टाइटली एकदम, और जो हेयर है उसको अच्छे से क्लचर को हाइड कर देना है क्लचर की हेल्प से, है ना। इजी बहुत ही, और बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत इजीली बन जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया क्लचर की मदद से। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, ये खुलता नहीं है, आप इजीली मार्केट जाओ, शॉपिंग करो, आप थोड़ा सा और ऊंचा भी चाहो तो बना सकते हो। ओके,